नमस्ते, नमस्कार, सलाम दोस्तों, मैं हूं अशोकन, इंडिया का सबसे बड़ा UFC फैन, एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक ट्रू ग्लोबल मिक्स मार्शल आर्टिस्ट के बारे में, एक ट्रू ग्लोबल स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी के बारे में, एक ट्रू ग्लोबल मार्शल आर्टिस्ट के बारे में। जी हाँ, मैं हबीब द ईगल नुर्मागोमेदोव के बारे में बोल रहा हूँ। ये एक तो एक बात तो है, आप मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, आप हबीब के बारे में मेरे से ज़्यादा जानते हैं, मगर मेरे को ये वीडियो बनाना ही था। और क्योंकि हबीब की जो कहानी है हर एक मार्शल आर्टिस्ट को मोटिवेट करती है, तो चलिए चलते हैं हबीब की कहानी की ओर। तो हबीब का जो जन्म हुआ है वो दागिस्तान में हुआ था, सिल्दी करके गांव था। तो बचपन में ही उनके फैमिली, उनके अब्बा ने जो गांव था सिल्दी, वहाँ से माइग्रेट होके दागिस्तान के कैपिटल में आ गए थे मकाचकला, और वहाँ पे सेटल हो गए थे। तो हबीब के जो फादर थे, उनके अब्बा थे, आर्मी रिटायर्ड थे और वो एक्टिव मार्शल आर्टिस्ट ट्रेनर थे। तो वो एक्चुअली ग्रैपलिंग में ट्रेनिंग देते थे, ग्रैपलिंग मतलब सांबो, जूडो और फ्री स्टाइल रेसलिंग में ट्रेनिंग देते थे। तो हबीब बचपन से ही ये ट्रेनिंग देखते आ रहे थे, क्योंकि उनका जो घर था, उनका नीचे का स्टोर उनके अब्बा ने एक ट्रेनिंग सेंटर में बदल दिया था। तो हबीब बचपन से ही उनका एक्सपोजर था ग्रैपलिंग में। तो वो वहाँ पे कहा जाता है कि दागिस्तान में हर एक लड़का रेसलिंग ट्रेनिंग करता है, हर एक बच्चा रेसलिंग ट्रेनिंग करता है। तो हबीब को भी इसी में ही आना था, और वो महज 11-12 साल के एज में उन्होंने उनके अब्बा के अंडर रेसलिंग ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। बहुत ही उनके अब्बा बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही डिसिप्लिन थे, और ये एक गहरा इन्फ्लुएंस पड़ा हबीब पे। हबीब बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करते थे और उनको थोड़ा बहुत रेसलिंग में एक्सपर्टाइज आ गया था। उसके बाद वहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ दोस्तों। नॉर्मली क्या होता है, स्पोर्ट्स पर्सन एक ही मार्शल आर्ट्स पकड़ के बैठ जाते हैं, रेसलिंग है तो रेसलिंग, फिर दूसरे मार्शल आर्ट फॉर्म में शिफ्ट नहीं करते। मगर हबीब का ऐसा नहीं था। हबीब रेसलिंग के बाद उनके अब्बा ने उनको जूडो में आने के लिए मोटिवेट किया। पहले तो हबीब को उतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं था उसमें, फिर एक बार जब स्टार्टिंग शुरू हो गया, ट्रेनिंग शुरू हो गया, उसके बाद हबीब को उसमें भी इंटरेस्ट लगने लगा। और जूडो के बाद भी वो रुके नहीं, उसके बाद उनको सांबो में ट्रेनिंग दी गई। सांबो इज़ एन एक्सेलेंट रशियन मार्शल आर्ट्स, ऑलमोस्ट लाइक मिक्स मार्शल आर्ट्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है। आगे जाके यही सब हबीब को एक ग्लोबल सुपरस्टार बनाया था। तो इन तीनों मार्शल आर्ट फॉर्म में उनको बहुत ही गहरा एक्सपर्टाइज मिला दोस्तों, फ्री स्टाइल रेसलिंग, जूडो और सांबो। और इसके बाद उन्होंने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, और हबीब ने वर्ल्ड सैम्पो टूर्नामेंट में 2 बार गोल्ड जीती है दोस्तों। और उनको प्रोफेशनल मिक्स मार्शल आर्टिस्ट बनना ही था, तो उन्होंने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और रशिया, यूक्रेन, मॉस्को एरियाज़ में उन्होंने काफ़ी सारे कंपनीज़ में, जैसे कि M1 ग्लोबल करके है, काफ़ी सारे कंपनीज़ में उन्होंने प्रोफेशनली फ़ाइट करना शुरू किया। और देखिए, आराम से उन्होंने 15-16 विन्स हासिल कर ली, और ये काफ़ी था UFC के लिए। UFC ने हबीब को नोट किया और उनको कॉल किया और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और आपको पता ही है, UFC में भी उनको कोई अभी तक हरा नहीं सका है। अभी तक उन्होंने 28 फाइट्स खेले हैं, और इन सारे फाइट्स में हबीब ने उनके ओपोनेंट को कम्प्लीटली डोमिनेट किया है। और कैसे डोमिनेट किया है, उनका स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल था, ग्रैपलिंग के ज़रिए उनके ओपोनेंट को घसीट के नीचे लेके जाते हैं और ग्राउंड एंड पाउंड करके ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों, इससे क्या हमको सबक मिलती है, इनको इससे क्या हमको सीख मिलती है, क्या मोटिवेट करता है हमको, कि हबीब ने अपना पूरा लाइफ ग्रैपलिंग सीखने के लिए, मतलब रेसलिंग, जूडो और सांबो सीखने के लिए डेडिकेट कर दिया था, और यही उनको काम आई, उनको एकदम सक्सेसफुल सुपरस्टार बना दिया। देखिए, 1-2 दिन की बात नहीं है, सालों भर की, घंटों भर की ट्रेनिंग, महीनों भर की ट्रेनिंग उसमें लगी है, पसीना बहाया हबीब ने, और फाइनली आज वो इस मुकाम पर आके पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं, हबीब के लास्ट 2 फाइट्स पहले कॉनर के साथ हुआ, ग्रैपलिंग के जरिए उन्होंने कॉनर को डोमिनेट किया और फिर नेक क्रैंक किया, और फिर डेस्टिन पोरियर को भी उन्होंने ग्रैपलिंग के जरिए डोमिनेट किया और उनको रियर नेकर शो कर दिया। तो देखिए, ग्रैपलिंग का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, और अभी हबीब इस एक स्टेज पे आके पहुँचे हैं, इस ट्रूली ए ग्लोबल सुपरस्टार। और रशिया में सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स रखने वाले सेलिब्रिटी हैं हबीब। और आज हबीब की चर्चे हो रहे हैं टोनी फर्गुसन के साथ फ़ाइट के बारे में, हम लोग ईगरली वेट कर रहे हैं। होपफुली रमज़ान के बाद हम लोग हबीब टोनी फर्गुसन का फ़ाइट देख सकते हैं। और हबीब आज इस स्टेज में पहुंच गए हैं कि स्पोर्ट्स के ग्लोबल सुपरस्टार फ्लॉयड मेवेदर के साथ भी ये फ़ाइट के चर्चे हो रहे हैं, और हबीब वर्सेस जॉर्ज सेंट पियर के बारे में चर्चे हो रहे हैं। हबीब हैज़ ट्रूली बिकम ए ग्लोबल सुपरस्टार। हबीब के बारे में कहानी बोल के
हबीब के बारे में एक वीडियो बना के बहुत खुशी हो रही है मेरे को। अब मैं यहाँ पे पॉज करूँगा, आप बताइए, आप कमेंट कीजिए, मैं ईगरली वेट कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू, बाय, सी यू।